दोस्तों आज अपनी फायर स्टिक के ऊपर गूगल का प्ले स्टोर डाल के देखेंगे। ऑफिशियल वाला प्ले स्टोर तो नहीं है, लेकिन एक दूसरा प्ले स्टोर है जो एग्जैक्टली प्ले स्टोर की तरह ही दिखता है और इसके अंदर सारी एप्स आपको मिल जाएंगी, भले वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी आपको चलाना हो बहुत ईजिली यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रोसेस छोटा सा फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको अब लेके चलता हूँ और सीधा दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपनी ऐप्स के सिस्टम में और यहाँ पे योर ऐप्स एंड गेम्स के सेक्शन में आप जब सी ऑल करोगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगी डाउनलोडर। अगर ये ऐप आपके में नहीं दिख रही है तो आप इनके जो फायर स्टिक का जो अपना प्ले स्टोर है उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऐप है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ और एग्जैक्टली वही लिख देना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आपको लिखना है troypoint.com/aurora और इसके बाद कर दो गो। एक छोटी सी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होनी चाहिए और उसको हम कर लेंगे डाउनलोड। सीधा इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो। तो ये ऐप इंस्टॉल हो गई है, इसको कर लेते हैं हम ओपन और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कुछ वेलकम स्क्रीन है इसकी। तो यहाँ पे हमको अपना ये राइट वाला बटन यूज करके सारी चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स और सर्विसेज इसकी एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद ये राइट बटन दबा दबा के आप आगे बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद हम आ जाएंगे सेशन इंस्टॉलर पे। यहाँ पे दोस्तों मैं माउस टॉगल ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं माउस की तरह इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप वाईफाई का माउस भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यही वाली ऐप अगर यूज़ करना चाहो जो कि मैं इस रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ तो आप सिंपली माउस टॉगल वाली ऐप यूज़ कर सकते हो और लिंक मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछली एक जियो टीवी ऐप को रन करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था और एग्जैक्टली आप वही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा जाना है फिफ्थ वाले डॉट पे, फिफ्थ वाले टैब में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये तीन चीज़ें, एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सेस, एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर और इंस्टॉलर परमिशंस। अब मेरे में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रांटेड आ रहा है, अगर आपके में ग्रांट का बटन आ रहा हो तो आप उसको सिलेक्ट करके ग्रांट परमिशन दे देना। उसके बाद सिंपली हम इसको प्रोसेस को कर देंगे फिनिश। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ये दो ऑप्शंस दे रहा है, गूगल और अनोनमस। अगर हम अनोनमस यूज़ करते हैं तो इंस्टेंटली लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन इस ऐप का क्या सिस्टम है कि काफ़ी सारे लोगों की स्ट्रीम एक सिंगल अनोनमस वाली कैटेगरी में चलती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कई बार आप अनोनमस वाले में लॉगिन हो और बाकी लोग भी लॉगिन है, इस वजह से आपका लैग करे या फिर ढंग से वर्क ना करे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि गूगल ही यूज़ कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में मैं अनोनमस को चूज करता हूं। तो यहां पे रिक्वेस्टिंग न्यू सेशन आ गया और इस तरीके से यहां पे पूरा का पूरा एक ऑरोरा स्टोर आ गया। अब ये पूरा का पूरा प्ले स्टोर का पूरा कॉपी है, सारी की सारी एप्स आपको यहां पे मिलेंगी, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, सारी की सारी एप्स अभी हमको यहां पे नहीं दिख रही हैं जो हमको यूजुअली प्ले स्टोर पे दिखती हैं और इसको नेविगेट करने के लिए भी हमको ये माउस वाली ऐप का यूज करना पड़ता है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जाएंगे यहां पे मेन्यू के टैब पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे जाएंगे स्पूफ मैनेजर के ऊपर। तो यार यहाँ पे सीन क्या होता है ना कि जो हमारी फायर स्टिक होती है उसका प्रोसेसर तो भले 64 बिट है लेकिन उसका जो ओएस है वो 32 बिट पे चलता है। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा हमारी डिवाइस की लिस्ट में कि ये 64 बिट वाला है या फिर 32 बिट वाला। अगर इन डिवाइसेस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ARM64 तो इसका मतलब है कि ये 64 बिट वाला सिस्टम है, और अगर लिखा हुआ है ARM EABI इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ लो कि ये 32 बिट है। अब आप अगर वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हो तो इस वाली स्क्रीन पे आके आप इजीली स्क्रॉल कर पाओगे और आपको सारे ही ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेज यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल ये वाला रिमोट यूज़ कर रहे हो माउस टॉगल के साथ तो आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्राविया का सोनी API, तो यहाँ पे बेसिकली 32 बिट पे सारी की सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको रीलॉगिन बोल रहा है तो हम इसको सिंपली बैक चले जाएंगे, दो बार बैक का बटन प्रेस करो, दोबारा से दो बार बैक का बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। अब हम अगर अपने होम पेज पे जाएं तो यहाँ पे हमको दिख जाएगी हमारी ऑरोरा ऐप। तो ये आ गया हमारा ऑरोरा स्टोर, इसको दोबारा से क्लिक करते हैं, रन करते हैं।
तो अब आप देखोगे कि वो सारी लिस्ट आ जाएगी एप्स की जो यूजुअली उस फोन के प्ले स्टोर पे जैसी दिखेगी। यहाँ पे हमने सोनी का टीवी वाला सिलेक्ट किया था 32 बिट, इसीलिए ये वाली एप्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप कोई भी फोन 32 बिट वाला वहाँ पे सिलेक्ट कर दे तो सारी एप्स आ जाती, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इवन आप जियो टीवी टाइप की कोई भी ऐप यहाँ पे चला सकते हो, सारी की सारी एप्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो सिर्फ यहाँ पे आपको माउस की नीड पड़ेगी और माउस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक वायरलेस माउस यूज़ कर सकते हो या फिर माउस टॉगल ऐप। माउस टॉगल ऐप यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दे रहा हूँ, आप देख लेना कैसे यूज़ किया है, कैसे इंस्टॉल किया है। और वायरलेस माउस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक छोटे से कनेक्टर की नीड पड़ेगी जो 100-150 रुपये का आना चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से आप सारी की सारी प्ले स्टोर की ऐप्स अपनी फायर स्टिक के ऊपर ईजिली चला सकते हो और सारी स्ट्रीमिंग ऐप्स या फिर कोई भी ऐप्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सकारात्मक।